हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ की आपात बैठक हमीरपुर में बुलाई गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकार द्वारा जो निर्णय सेवानिवृत्त व कार्यरत कर्मचारियों के हित में लिया गया है, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ता व चिकित्सा भत्ता दिवाली से पहले देने का निर्णय लिया गया है, पर कार्यरत कर्मचारियों को ओवरटाइम व चिकित्सा भत्ता व अंतरिम राहत का 8% देने पर जिला हमीरपुर इकाई व समस्त परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तरफ से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का धन्यवाद किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री से निवेदन भी किया गया कि कर्मचारियों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों का जो रुका हुआ भत्ता है उसे भी समय पर दिया जाए। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पेंशनरों की समस्या का स्थायी समाधान निकालते हुए बजट में भी इसका प्रावधान करेगी। आज की बैठक जो है वो आपातकालीन बैठक जो हमने बुलाई थी, क्योंकि एक मुद्दा तो हमारा ये था कि श्री विजय अग्निहोत्री जो नदौन से हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, उन्हें परिवहन प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस उपलक्ष्य में हमने बैठक बुलाई थी कि उनको हम बधाई दे सकें, तो मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि उनको परिवहन का प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। और दूसरा, जो सरकार ने पिछले कल 17 तारीख को अनाउंस किया है कि परिवहन सेवा कर्मचारियों को 5% जो महंगाई भत्ता जो हमारा रुका हुआ था, पहले 12% दिया था, अब 5% दोबारा घोषणा की है, और ये भी कहा है कि दिवाली से पहले पहले दिया जाएगा। साथ में चिकित्सा भत्ता उसको भी 1 करोड़ रुपया जो है सरकार ने मंजूर किया है। बस सिटिंग कर्मचारी जो है उनको भी 1 करोड़ रुपया चिकित्सा भत्ता का, और बाकी उनका रुका हुआ ओवरटाइम जो है वो देने के लिए कहा है कि दिवाली से पहले दिया जाएगा। दूसरा, सिटिंग कर्मचारियों का जो 8% जो है उनको अंतरिम राहत भी दी गई है। इसके लिए हम जो है माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश व माननीय परिवहन मंत्री हिमाचल प्रदेश का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और समस्त सेवानिवृत्त कर्मचारी जो हैं वो आस करते हैं कि हमें जैसे कि ये समय रहते पेंशन भी दे रहे हैं और हमारे रुके हुए भत्तों को भी दे रहे हैं, आगे भी हम आशा करते हैं कि हमारी जो पेंशन की स्थायी समाधान की समस्या कई सालों से चली हुई है और हम लड़ाइयाँ लड़ते आ रहे हैं, पिछली सरकार से भी लड़ाइयाँ लड़ी, तो उसके लिए जो है ये बजट में हमारी पेंशन का स्थायी समाधान करने की हमें सरकार से उम्मीद है कि ये पेंशन का स्थायी समाधान बजट में करेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे पिछली सरकार ने 5-5 महीने तक जो है हमारी पेंशन जो है उसको रोक के रखते थे तो बड़ी दिक्कतें आती थी हमें, अब जो है हमारे को पेंशन जो है स्थायी रूप से हर महीने मिल रही है। चलो कभी लेट मिल रही है, कभी जल्दी मिल रही है, कभी 1 तारीख को 2 को मिलती है, कभी 12 को मिलती है, कभी 7 को मिलती है, परंतु ये सरकार जो है हर महीने जो हमारे को पेंशन दे रही है, तो इसलिए कर्मचारियों में उत्साह भी है और सरकार का धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं कि हर महीने पेंशन मिल रही है ताकि हमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। दूसरा, आगे के लिए हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारी 7% महंगाई भत्ता हमारा बचा हुआ है उसे भी हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसे भी देने की कृपा करें, और अंतरिम राहत जो हमारी 21% जो पेंडिंग चली हुई है उसे भी सरकार जल्दी से जल्दी देने की कृपा करे। हमें पूरी आस है कि सरकार जो है समय रहते इसे पूरा करेगी और पेंशन का हमारा स्थायी समाधान बजट द्वारा जल्दी से जल्दी किया जाएगा, इतनी हमें आशा है। मैं एक बार पुनः सरकार को माननीय मुख्यमंत्री, माननीय परिवहन मंत्री जी और विजय अग्निहोत्री जी को और अपने बलदेव धीमान जी को जो हमारे मंडल निदेशक बनाए गए हैं परिवहन के, इनको दशहरे की और ये हमारे ड्यूज जो समय पर मिल रहे हैं इनके लिए एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ।